और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यालय में बैठक हो रही है, कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठक में मौजूद हैं। पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी बैठक में मौजूद हैं। चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस कार्यालय में शुरू हो गई है, तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है और तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव समिति की यह बैठक है। सबसे पहले पीएसी की बैठक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की। उसके अंदर बहुत सारे जो अहम मुद्दे हैं वो तय होंगे। उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है, जिसमें तय होगा कि किस तरह से हम अपना प्रत्याशियों का चयन करेंगे। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो कार्यक्रम है और रूट चार्ट है, उसके ऊपर चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव भोपाल से। दुर्गेश, चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है, कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में खासतौर पर किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी? बिल्कुल स्पष्ट तौर से वर्षा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बैठक है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, इलेक्शन कमेटी की बैठक थी पहले, वह शुरू हो गई है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ मौजूदा जीतू पटवारी, तत्कालीन पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी, जितन भंवर सिंह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इलेक्शन कमेटी की बैठक में सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति बनानी है कांग्रेस पार्टी को, और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरनी है। चूंकि कांग्रेस पार्टी अभी एक सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है, 2023 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में करना पड़ा था, तो उस सदमे से भी कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकल पाई है। इसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर किस तरीके से ऊर्जा भरनी है, तमाम कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सक्रिय करना है, उसको लेकर यह इलेक्शन कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इसकी बैठक ले रहे हैं, जितिन भंवर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और इसी के साथ में अगर बात की जाए तो तत्कालीन पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक में, जीतू पटवारी के पीसीसी चीफ बनने के बाद में कमलनाथ पहली बार इस बैठक में शामिल होने आए हैं। इलेक्शन कमेटी की जो गठित की गई थी टीम, उसमें दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ से लेकर तमाम नेता पुत्रों तक को इसमें जगह दी गई थी। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में, जो कि काफी समय से अनएक्टिव फॉर्म में थे, उनको भी इस बैठक में शामिल किया गया है। और इसी के साथ साथ में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के लिए उन कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर जूनियर लेवल के नेताओं तक को इसमें किस तरीके से रणनीति बनानी है लोकसभा की, इसको लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से लेकर नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारी, जीतू पटवारी, तमाम नेता इस बैठक में शामिल हैं। जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन क्या माना जाए इस बैठक में कुछ खास बदलाव और एक कुछ खास रणनीति के साथ अब कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, और अब क्योंकि अब तमाम युवा चेहरे जो अब नजर आ रहे हैं, तो यहां पर एक बात निकलकर सामने आ सकती है कि अब युवाओं पर भरोसा जताया जाएगा इस बार? बिल्कुल स्पष्ट तौर से वर्षा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है, और इसी के साथ साथ में जिस तरीके से हमने देखा कि इस बार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला, बदलाव में जिस तरीके से युवाओं को मौका दिया गया, जहां तक कि जीतू पटवारी भी एक युवा चेहरे के तौर पर ही निकलकर सामने आते हैं, इसी के साथ में उमंग सिंघार का भी जो चेहरा है वह एक युवा आदिवासी चेहरा नेता निकलकर सामने आते हैं, और इसी के साथ में अगर बात की जाए हेमंत कटारी की, तो हेमंत कटारी भी एक युवा नेता है। इन तीनों को जिस तरीके से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, उससे स्पष्ट तौर से यह तो बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार युवाओं से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं तक को इस बार कहीं किसी भी तरह से कोर कसर छोड़ने की गुंजाइश नहीं देगी। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली थी कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में तमाम तबके के लोगों को साधने के साथ साथ में तमाम तबके के लोगों को कांग्रेस पार्टी में नीचे ग्राउंड जीरो तक नीचे उतारना है, ताकि वे कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर सके और कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में संतोषजनक परिणाम मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।